मेरा वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो था किसके बारे में था, आप बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते क्योंकि आप नहीं देखे होंगे ना, इसीलिए ठीक है मैं ये बता देता हूँ। मैं बता था राइट ऑफ डेमोक्रेसी और 18 इयर्स और 21 इयर्स जो भी है उनको राइट ऑफ फ्रेंचाइज दिया जाता है और एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में नियुक्त किया जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ डेमोक्रेसी में? इक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी ही करेक्ट ऑप्शन है विच डज नॉट कंस्टिट्यूट एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि इक्वालिटी एट्रीब्यूट ऑफ डेमोक्रेसी में है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी है और इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, लेकिन इक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वही हम डिस्कस करेंगे। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम टू एक्सप्रेस जो कि राइट ऑफ स्पीच है, इसीलिए वो इनकरेक्ट है जो कि डेमोक्रेसी में है। अगर देखें तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी है, पॉलिटिकल एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, टू गिव बार्गेनिंग पावर, इसका मतलब है कि जो कि वोटर्स देते हैं वो ही इसमें दिया गया है, जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन भी बोला जाता है। सो इक्वलिटी भी है, राइट टू इक्वलिटी जो डेमोक्रेसी फंडामेंटल क्राइट के अनुसार इक्वलिटी भी है, राइट इक्वलिटी ऑफ स्पीच भी है और इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है, लेकिन इक्वलिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी, इक्वलिटी ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, वो सोशलिस्ट स्टेट का एक एट्रीब्यूट है लेकिन एट्रीब्यूट ऑफ डेमोक्रेसी वो नहीं है। क्यों नहीं है हम इस वीडियो में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, सिक्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, एस्टैब्लिश्ड पॉपुलर सबॉर्डिनेटी, मेजोरिटी रूल, इंडिविजुअल राइट, फ्री टू ओपन इलेक्शन, सिटीजनशिप, इन्वॉल्वमेंट इन ओपन कंपेरिजन, और सारा एडिशन सिक्स बेसिक डेमोक्रेसी है। अगर देखें तो सिटीजन रूल वही इसमें दिया गया है, वोटिंग सिस्टम के बारे में ही इसमें बात किया गया है, की पोजीशन साइकिलिंग कैसे होता है डेमोक्रेसी में, कब कौन सा पॉलिटिकल पार्टी आता है वो इसमें दिया गया। मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी रूल मतलब क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो कि मेजोरिटी में रूल करते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, उसको ही मेजोरिटी रूल कहते हैं। अगर माइनॉरिटी रूल के बारे में बात करें तो माइनॉरिटी रूल जो भी हार चुके हैं उसका माइनॉरिटी रूल उतना नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा कुछ रहता है अपोज करने में। इंडिविजुअल राइट के बारे में बात करें तो इंडिविजुअल राइट क्या होता है, वी हैव द राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्ट, राइट टू बिलीव, राइट टू लिव, वो सारा फंडामेंटल राइट्स ही इंडिविजुअल राइट्स होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर के बारे में बात करें तो आप जान चुके हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि अंडर द गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन, अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। सिटीजनशिप पार्टिसिपेशन वही सेम होता है, ठीक है वही। उसके बाद है कॉरपोरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, कॉरपोरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज होते हैं अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उतना तकलीफ नहीं होता है, अगर प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर चुके हैं वो कॉम्प्रोमाइज होता है। कॉरपोरेशन होता है एक दूसरे में कॉरपोरेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है, ठीक है वही इसमें दिया गया है जो कि सिक्स रूल्स है डेमोक्रेसी का।